सो हाय गाइस, कैसे हो सब भाई? बहुत मस्त हो गए। एंड गाइस, आज का हमारा वीडियो है फेस स्मूथ के ऊपर, क्योंकि गाइस जो बैकग्राउंड चेंज है वगैरह और बैकग्राउंड की डिटेचिंग आजकल सब कोई कर लेता है। बच्चे बच्चे लोग पिक्सार्ट चला लेते हैं, लाइट रूम से एडिटिंग कर लेते हैं, लेकिन फेस नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में फेस को बताऊँगा, और इस वीडियो में मैं न्यू टूल्स का भी यूज़ करने वाला हूँ, और न्यू ब्रश को आपको बताऊंगा इस ब्रश से कैसे फेस को स्मूथ करें। तो बस वीडियो को आपको एंड तक बने रहना है, और चैनल में तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, एंड गाइस ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं और फोटो मैंने पहले से रीटच करके रखी हुई है बैकग्राउंड को, क्योंकि गाइस अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की भी बनाता, मतलब लाइट रूम से रीटच कैसे की है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और आप लोग भी नहीं देखते हो। सो इसलिए मैंने रीटच पहले से ही करके रखा हुआ। अगर आपको रीटच नहीं बनती है तो मैं लाइट रूम की वीडियो दे दूंगा आई बटन पे, तो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो है, एंड इसमें मैं बताऊँ कि सबसे पहले आप इस वाले ब्रश को यूज़ करते थे, एंड इससे भी बहुत अच्छा स्मूथ होता था, लेकिन मैं आज न्यू ब्रश का यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो इस वाला ब्रश है इसको मैं लूँगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये कलर वाला ब्रश है। एंड इसी प्रकार सारे ब्रश की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग ब्लेंडिंग मोड होता है सबका। सो गाइज, ये अभी कलर वाला ब्रश है, इससे आप सिर्फ कलर कर सकते हो। तो इसको मैं स्मूथ के लिए कैसे चेंज करूँ, आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है, एंड थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा स्मज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड इसकी सेटिंग्स कुछ इस तरीके से रखनी है 8-7। ओके, एंड अब आप जो स्मज पे आप चेंज कर लोगे, और अब आप इससे स्मूथ कर सकते हो अपने फेस को, स्किन को, तो आप देख सकते हैं इससे बहुत अच्छा स्मूथ होगा, क्योंकि जो पहले आप ब्रश यूज़ करते थे वो थोड़ा फैला हुआ रहता था, एंड ये पेंट का ब्रश है। अब इससे आप जब स्मूथ करोगे तो अपनी स्किन इतनी अच्छी तरीके से स्मूथ होगी। सो गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना, बस आपको देख लेना, और अब जब आप अपनी स्किन को स्मूथ करें तो सिर्फ राउंड राउंड करके स्मूथ करना, और इतना अच्छे तरीके से इस ब्रश से आपका फेस स्मूथ होगा कि आप भी जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी फ़ोटो पे ट्राई करोगे तो आप भी इस वीडियो को वापस आओगे लाइक करने। ओके गाइस, सो गाइस इसलिए अभी से लाइक कर देना, और आपको जहाँ पे साइज़ छोटा करना हो वहाँ पे छोटा ज़रूर कर लेना, जहाँ पे साइज़ की बड़े की ज़रूरत है तो बड़ा कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते थे मेरे गॉगल्स लगे हुए थे, तो यहाँ पे मेरा प्लेस कम था इसलिए मैंने इसका साइज़ कम कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ भी आप बढ़ा भी सकते हो। तो साइज़ का ज़रूर ध्यान रखना, और अपने फेस को स्मूथ करना, बड़े मन से स्मूथ करना, तब जाके अपना फेस भी बहुत मन से एडिट होगा। सो गाइज, आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है। तो वीडियो को कर देता हूँ मैं फास्ट। तो गाइज़, आप देख सकते हैं स्किन कितनी अच्छी से स्मूथ हुई है। पहले आप इस ब्रश का यूज़ करते थे, एंड अब मैंने उस ब्रश को जब स्मज में चेंज कर दिया, मतलब आप उस ब्रश से स्मूथ कर सकते हो, और इससे जब आप मैंने स्मूथ किया तो आप देख सकते हो स्किन कितनी सुपर तरीके से स्मूथ हुई है। सो गाइज़, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बता देना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू टूल्स कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना, और आप मुझे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगा फोटो एडिटिंग के बारे में। सो गाइज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।